ये हमारी यार चंडिका है यार, इसको ये कौन है बॉस? ये नताशा बंदूक पकड़ी, मतलब कलेक्टेबल कलेक्टेबल कलेक्ट क्या नाम था एक मिनट यार। तो एक बार फिर से एक नया अनबॉक्सिंग के साथ मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ, और आज फिर ज़रा कंफ्यूज हूँ क्योंकि फिर से मेरे पास तीन तीन पार्सल पड़े हुए हैं, किसको खोलूँ मैं समझ नहीं आता। ये आज ही आई है हलो कुक माइन की तरफ से, ये भूपिंदर भाई जी की तरफ से आई है, उन्होंने खुद की पब्लिकेशन की कुछ कॉमिक्स भेजी हैं, और ये राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता के ऑफिशियल जो हमारे उनके जो स्टोर है वहाँ से ये पार्सल आई है। तो एक काम करता हूँ गाइस, आज सबसे पहले इसको खोलता हूँ और इसका जो रीज़न है वो मैं बताऊँ, इसको फिर फटाफट खोल लेते हैं, पहले खोलते हैं फिर बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। देख ही सकते हैं क्या है इसके अंदर, स्पेशल कलेक्टर्स बॉक्स। अरे अच्छा, ये गिफ्ट है ये क्या? क्या बात है, ये देख सकते हैं गाइस, ये भेड़िया की नो। अच्छा दो है, क्या बात है, गजब, मजा आ गया संजय सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दो फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। ये एक्चुअली वन रचक सीरीज के किसी की मुझे लगता है जो कलेक्टर एडिशन आई थी उसका उसका जो कवर पेज बनाया गया था ना उससे ये ली गई है। तो दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं गाइस, ये अच्छा थोड़ी सी ये बनाई गई थी युगारंभ का जो सेट आया था, नागराज की फर्स्ट फाइव कॉमिक्स का जो सेट आया था उसके प्रीमियम एडिशन के साथ इसको। अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई सर, संजय सर ये देख सकते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक फटी हुई है, ये तो देख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इसको चिपकाने की, यदि चिपक गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं उम्मीद करूंगा यदि अभी अगली कुछ ऑर्डर आए तो उसके साथ ये मुझे गिफ्ट वगैरह में भेजें, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही है ये एरिया छोटी नहीं है, मैं दिखाता हूँ ठीक से, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर ये जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ यही यहीं से वो डैमेज हो गई है, और ये देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यार, ये तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया खोलते ही। खैर ये देख सकते हैं, ये इसको मैं कैसे रखूँ, ये भी इस तरह चिपकाऊँ, यदि भेज दी जाए तब तो मज़ा आ जाएगा। तो मैंने ऑर्डर किया था गाइस, इसका रीज़न मैं अब बता रहा हूँ, इसको पहले साइड में रख दूँ, ये रही एक्चुअली सच बताऊँ तो एक कुछ और भी चीज़ें हैं उस वो अंदर हैं, क्योंकि मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया था, फिर पहले इसको दिखा दूँ। ये नागराज की जो फर्स्ट इशू थी उसका डिट्टो कवर पेज सेम टू सेम, और उससे ये विंटेज कलेक्टर बॉक्स बनाया गया है, नागराज की स्पेशल कलेक्टर बॉक्स। अब जो इसका इसको ऑर्डर करने का जो मेन रीज़न था ना गाइस वो ये है, था ये सुपर कमांडो थ्रो की कलेक्टर बॉक्स जो मुझे गिफ्ट में आई थी। अब ये दोनों इतने परम मित्र हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, एकदम भाई भाई की तरह, तो एक भाई यहाँ पे अकेला ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा यार नहीं ये गलत हो रहा है, तो इसलिए मैंने देर नहीं लगाई नागराज की भी स्पेशल जो कलेक्टर बॉक्स थी उसको ऑर्डर करने में। अब देख सकते हैं दोनों भाई आ गए, ये ध्रुव की जो पहली इशू थी प्रतिशोध की ज्वाला उसकी कवर से उतारी गई, हूबहू उसी को दिया गया, ये नागराज की पहली इशू जो थी नागराज ही थी उससे ये ली गई है। दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, तो थोड़ी सी डिजाइन जिसकी वो है ना इस तरह की ली गई, जबकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आती है, ये मुझे पता नहीं अलग थोड़ी प्रीमियम वाली फील आती है, और ये जो डिज़ाइन है ये ऐसा लगता है जैसे बचपन से हम लोग भी ना लगाते हैं बंद खोलते आ रहे हैं इस तरह के बॉक्सेस को, इवन जो हमें ज्योमेट्री बॉक्स मिलते थे स्कूल के दिनों में तो इसी तरह की डिज़ाइन से रहती थी।
इसको देख के उतना इससे ये बेटर है, ये डेफिनेटली दिस इज फार बेटर। इस डिज़ाइन को रखें तो बेटर लग रही है, डेफिनेटली एकदम प्रीमियम लग रही है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो एनीवेज दोनों बहुत ज़्यादा यू नो डेमोंस्ट्रेशन हो गया, इसको मैं ज़रा रखता हूँ साइड में, और इसके अंदर जो अगली चीज़ है गाइस उसको भी दिखा दूँ, उसको मैंने और ये कैन सी गाइस जो हमारे मिनियंस हैं, जो मिनियन कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, इनको पता नहीं कुछ हास्य है। तो ये एक्चुअली जो MRP है गाइस, ये मुझे लगता है शायद 650 है, ये 10 जो छोटे छोटे हैं, तो 650 में से मुझे 520 मिले हैं, पता नहीं आई थिंक 20% की डिस्काउंट थी, तो ये 520 के ये 10 हैं, यानी कि एक का 52 रुपीज़। तो यदि उस हिसाब से सोचिए तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या 52 रुपीज़ की है, ऑब्वियसली नहीं है। इसकी MRP 750 है, हालांकि 40% डिस्काउंट मिल रही है, यानी 450 में ये जो कलेक्टर बॉक्स है ये हमें मिल रही है, तो 450 भी क्या जस्टिफाई करता है। तो इसका जो रीज़न आता है जो पब्लिशर्स की तरफ से, कि वो कहते हैं कि चूँकि बहुत लिमिटेड अमाउंट में इनको यू नो मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि बनाओ, बहुत ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चर कराना पड़ता है, और उस हिसाब से उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है, जब कम रहती है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाती है, तो ये रीज़न आता है। मैं फ़िलहाल नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, बट मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, क्या मैं सबको पहचानता हूँ, ये तो रेनू है पक्का, ये हमारा प्यारा ध्रुव, ये एक मिनट, ये आई थिंक खूनी खानदान सीरीज की ये वेरा है, आई नॉट श्योर, काफ़ी दिनों से वो सीरीज में पढ़ी नहीं, मेरे पास है रखी हुई, बट आई थिंक ये वेरा है, ये वनपुत्र ये वनपुत्र, ये कौन है बॉस, ये नताशा, बंदूक पकड़ी मतलब नताशा ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी, ध्रुव की वाइफ जो कि नागान सीरीज में, उसकी शादी नहीं हुई है ध्रुव से, ये नताशा, ये सामरी काफ़ी मज़ा आता है ये कैरेक्टर भी मुझे, ये ब्लैक कैट यानी कि रिचा, ये हमारी यार चंडिका है यार, इसको मैं कैसे भूल जाऊँ, श्वेता ध्रुव की सिस्टर, और ये जब सुपर हीरोइन बन जाती है तो ये चंडिका बन जाती है, और ये लोरी ध्रुव की तांत्रिक फ्रेंड जो कि बहुत सारे कॉमिक्स में अपीयर हो चुकी है, तो ये 1 2 3 4 4 ये मैंने दिखाया ना, ये वनपुत्र का 4 5 6 7 8 9 यहाँ कोई रह गया, अच्छा एक रह गया था गाइस, ये देख सकते हैं, ये है अपना धनंजय चौधरा, ये स्वर्णनगरी का, तो ये हो गए 10। तो ये बॉक्स मेनली इन्हीं चीज़ों को रखने के लिए गाइस, जो भी कलेक्टेबल आइटम्स हैं, लाइक इसको तो हालांकि कहीं टांग के भी रखा जा सकता है, यस ये बाहर ही रहेंगे मोस्ट प्रोबब्ली। तो चलिए इस अनबॉक्सिंग में इतना ही गाइस, ये 2 पेपर स्टिकर्स मुफ्त में आए, और साथ में ये 10 हमारे स्टैंडीज छोटे छोटे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे, और ये डब्बा कलेक्टेबल क्या नाम था एक मिनट यार, स्पेशल कलेक्टर्स बॉक्स, यस ये, और ये युगारंभ की जो बैग आई थी, तो ये 1 2 ये 10 आइटम्स और ये 2 फ्री गिफ्ट्स। चलो इस अनबॉक्सिंग में इतना ही, इसको ज़रा साफ करना है।